हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज वीके प्रसाद। यहाँ देखो कोई बात नहीं, टीचर बनना है तो करना। यहाँ देखो, यहाँ समझेंगे अब यूनिट नंबर 4। अच्छा सर, चार्ज का चौथा बिहेवियर कौन सा? चौथा याद कर दो, चौथा नहीं, अच्छा फोर्थ बिहेवियर, यानी कि चार्ज अब एक्सेलरेट भी कर रहा है। चार्ज पागल हो गया, अब वो चार्ज पागल हो चुका है। कभी उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, कभी उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज्यादा। अच्छा तो इसमें क्या हो रहा है सर? तो इसमें हमें कुछ नहीं हो रहा है, एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, उनको परेशानी हो रही थी। वो आकर समझने लगे भाई क्यों परेशान हो गया, क्यों पागल हो गया चार्ज। उसके लिए उन्होंने देखो फोर्थ बिहेवियर को समझाने के लिए यूनिट फोर। अच्छा यूनिट फोर समझे, इसका नाम दे दिया भाई इन्होंने, बराबर लिख रहा हूँ। देखो मजेदार है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अरे ये क्या भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सर, इतना बड़ा क्यों लिख रहे हो? आज तुम्हें क्लियर दिख जाए, तुमने तो बोला था नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इसके अंदर क्या सीखना है? अच्छा एक और चीज सीखना है, क्या सीखना है भाई? अल्टरनेटिंग करंट। क्या सीखना है भाई? अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा इस यूनिट के अंदर क्या क्या नई चीज है? अच्छा बता रहा हूँ, समझो इसको क्या चीज सर, क्या क्या चीज है इसके अंदर देखते हैं अभी। इसके अंदर टॉपिक्स देखते हैं, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो पहला टॉपिक इसके अंदर क्या पढ़ना है? तो पहला टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़नी है EMI। अरे सर हमारा सुना था EMI कहाँ से आ गया? अरे भैया बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर हम समझेंगे फैराडे के रूल, फैराडे के फर्स्ट रूल, फैराडे के सेकेंड रूल। अच्छा उसी पे पूरा EMI कंप्लीट हो गया है ना मजेदार। सर दो ही रूल पढ़ना है, उसी दो रूल पे पूरी EMI कंप्लीट हो जाएगी। कैसे होगी समझेंगे, इसके अंदर हम समझेंगे चार्ज के चलते किस तरीके से एक एक्सेलरेट करता हुआ डीएक्सेलरेट करता हुआ चार्ज किस तरीके से, इसमें लॉ ऑफ नेचर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से एक कॉज एक इफेक्ट बनता है और एक इफेक्ट एक कॉज बनता है, किस तरीके से कोई चीज बनती है और उसी को डिस्ट्रॉय करती है, उसके बारे में सर अजीबोगरीब समझा रहे हो, कंफ्यूज हो रहा हूं। कोई बात नहीं, अभी उसको सही करेंगे। दूसरा टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़नी है बेटा, दूसरा टॉपिक इसके अंदर क्या पढ़ना है? अल्टरनेटिंग करंट। क्या पढ़ना है अभी? अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा सर इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते, चलो भैया लिख दिया, तुम्हारी बात भी सुन रहा हूँ। AC, कौन सा AC? गर्मी आ गई, कोरोना प्रॉब्लम कर रहा है, AC लगाना होगा। ओके इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है? तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पढ़नी है, जैसे इसके अंदर आपको पढ़नी है अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, देयर फीचर्स, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अंदर EMI के लास्ट में आप पढ़ोगे AC जनरेटर। क्या पढ़ोगे भी? AC जनरेटर। अच्छा AC जनरेटर कैसे मालूम चलेगा? अगर EMI नहीं होता तो AC जनरेटर भी नहीं होता। कोई बात नहीं, AC जनरेटर कहां से आया? EMI की थियरी से आया, यानी कि AC जनरेटर का जो प्रिंसिपल है, चोट लग गया कोई बात नहीं, AC जनरेटर का जो प्रिंसिपल है वो क्या है? EMI है, और इसी AC जनरेटर से जो करंट मिलता है उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और अल्टरनेटिंग करंट को और अच्छे समझने के लिए हमने DC के साथ कंपेयर किया, लड़ाई नहीं करना है, कंपेयर किया। अच्छा इसके अलावा हमने कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़नी है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। कौन सा इलेक्ट्रिकल सर्किट पढ़ना है सर इसमें? अच्छा इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें कौन कौन सा सर्किट पढ़ना है? तो इसके अंदर हमें पढ़नी है R सर्किट। R कंटेनिंग सर्किट, सर R क्या है? R रेजिस्टेंस है, राम नहीं है। दूसरा हमें पढ़ना है C सर्किट। क्या पढ़ना है? सर्किट। अच्छा मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं, ये दूसरा सर्किट है। ओके सी मतलब कैपेसिटर, यानी कि एक ऐसा सर्किट हमें समझना है जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हो, और हर चीज में एक चीज कॉमन है कि सबके अंदर AC इनपुट होगा। क्या इनपुट होगा? AC लगा करके R लगा हुआ सर्किट में AC लगाएंगे, बिहेवियर्स को देखेंगे। अच्छा सी के अंदर AC लगाएंगे, बिहेवियर्स को देखेंगे। सी समझ रहा होगा, कुछ और समझना। अच्छा तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा है L। अच्छा सर एल क्या है? एल सर्किट के अंदर भी इनपुट हम AC देंगे और बिहेवियर्स को देखेंगे। अच्छा एल क्या हो गया सर इसमें? अरे यार कोई नया बात नहीं है, कोई नया चीज नहीं है, घर की बात हम समझ लेंगे, इंडक्टर है। अच्छा चौथा टॉपिक कहाँ लिखूं? अच्छा कहाँ लिखूं? यहाँ लिख दू, अच्छा यही लिख देता हूँ। चौथा सर्किट हमें समझना है LC सर्किट। अच्छा नहीं नहीं नहीं
एल आर सर्किट। सर एलसी अभी आपने बोला था, लिखा क्यों नहीं? वो लंबी कहानी है, बाद में बात करेंगे। इसके अंदर भी हम एसी इनपुट देंगे और एसी इनपुट दे करके एल और आर यानी कि ऐसा सर्किट इसमें इंडक्टर रेजिस्टेंस लगा हो उसके अंदर एसी करंट किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करेगा, क्या उसके अंदर चेंजेस आएगी, फ्लक्चुएशंस में क्या चेंजेस आएगी, विल डिस्कस अबाउट। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा दिख जाएगी यहाँ पे पक्का। ओके अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, कैमरा लगे हुए देख रहे हैं यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे अच्छा कौन सा होगा इसमें तीसरा। अच्छा एल आर हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा सी आर सर्किट, सी आर सर्किट के अंदर भी हम एसी इनपुट देकर देखेंगे इसका बिहेवियर, कि जब अल्टरनेटिंग करंट, कौन सा करंट, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग नाम से ही मालूम चल रहा है, अल्टरनेटिंग करंट जब इसके अंदर जाएगा तो क्या करेगा। अच्छा इसके अलावा एक सर्किट और है एलसी, क्या मैं इसको सर्किट लिखूं? सर लिख दो, नहीं लिखूंगा, लिख दो नहीं लिखूंगा। अच्छा तो क्या लिखेंगे इसको? ऑसिलेशन लिखेंगे। अच्छा सर इसको हमने क्यों लिख दिया ऑसिलेशन? अच्छा एलसी ऑसिलेशन क्या है? एलसी ऑसिलेशन जब हम इसके अंदर समझेंगे एसी के बिहेवियर को तो हम क्या देखेंगे, बहुत ही अनोखा बिहेवियर मिलता है और दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सर आपने कंफ्यूज कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया? अच्छा इसके बारे में आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है जिसको अच्छे से समझना है, क्या है भाई? एलसीआर। सर इसको भी बता दिया इसमें एलसीआर सर्किट। अच्छा दिख नहीं रहा है तो जूम कर लेना, रुक करके जूम करके देख लेना। एलसीआर इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस, इसके अंदर हम इसके बिहेवियर्स को देखेंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर चीजों को समझेंगे। अच्छा इसके अलावा लास्ट टॉपिक सर वही बात होगा फिर से, क्या होगा? तो न्यूमेरिकल। अच्छा ऐसा करो तुम नोट करो, मैं थोड़ा देख के आता हूँ।